अब मैं आप लोग ये बताने वाला हूँ, जब हम लोग लेटरल रेज परफॉर्म करते हैं तो पोस्चर क्या होना चाहिए। तो जब हम लोग लेटरल रेज परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डंबल से करते हैं या फिर केबल से करते हैं, तो आपका पोस्चर होना चाहिए जैसे आपका ये है शोल्डर एल्बो और आपका रिस्ट, वो इक्वल होना चाहिए। बहुत लोग करते हैं तो क्या करते हैं, ये डाउन रहती है और ये ऊपर रहती है, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये आपका ऊपर होना चाहिए, एल्बो ऊपर यानी शोल्डर एल्बो रिस्ट, और इक्वल होना चाहिए और स्ट्रेट ये लाना चाहिए। तो चले मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ केबल में, और आप जब भी करना तो आप अपने पोस्चर को मिरर में देखना, आपका ये जो है ये नीचे नहीं होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। तो मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ केबल लेटरल रेज कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं केबल लेटरल रेज परफॉर्म कर रहा हूँ, और आप पाउज करके ये देख सकते हो कि मेरा रिस्ट एल्बो एंड शोल्डर दोनों इक्वल पैरेलल लाइन में है। तो ये है केबल लेटरल रेज जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ आप ये वीडियो में देख सकते हैं, और आप स्लो मोशन में देख सकते हैं कैसे हो रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैं केबल लेटरल रेज कैसे परफॉर्म कर रहा था, मेरे आप वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरे शोल्डर एल्बो रिस्ट दोनों तीनों इक्वल फॉर्म में थे। तो ये जरूर आप लोग ट्राई करिए, डंबल से ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है, और ये आप वीडियो को पाउज करके देख सकते हो, आप स्लो मोशन में देख सकते हो कि मेरे पोस्चर क्या थे, मैं कैसे परफॉर्म कर रहा था। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, आप इसे जरूर ट्राई करें, डंबल से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगी और आपके लेटरल रेट ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो प्लीज़ ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मैं फिर ऐसे ऐसे वीडियो लेके आते रहूँगा।